नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया में चार बदलाव संभव। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में हराया। ISL के डबल हेडर में मुंबई सिटी FC की जीत, दूसरा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त। आज भिड़ेंगे ईटी के मोहन बगान और बेंगलुरु FC। और बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत ने जीते 9 मेडल्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया को मोहम्मद शमी के रूप में बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के दाएं हाथ में चोट लगने की वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। शनिवार को पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की एक गेंद उनके दाएं हाथ पर लगी थी और उसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए और फिर उनकी वापसी नहीं हुई थी। 22वें ओवर में कमिंस की एक बाउंसर शमी की कलाई में लगी थी। शमी का टेस्ट सीरीज में नहीं खेलना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कोहली भी पेटर्निटी लीव की वजह से बाकी के 3 टेस्ट मैचेस में नहीं होंगे, जबकि रोहित शर्मा अगर टीम में लिए भी जाते हैं तो क्वारंटीन होने की वजह से तीसरे टेस्ट से पहले नहीं खेल पाएंगे। कोहली और शमी के अलावा टीम में 2 और बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पृथ्वी शॉ के अलावा विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी दूसरे टेस्ट की भारतीय टीम में बदला जा सकता है। टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेलना है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, 4 बदलाव, क्या ये पॉसिबल दिखता है? शमी और कोहली ये 2 तो निश्चित तौर पर हैं, और इन दोनों के बदले आप किसे देखते हैं टीम के अंदर? देखिए, जहां तक कोहली का सवाल है, बिल्कुल सीधा बदलाव KL राहुल के रूप में होने जा रहा है। KL राहुल का को इसलिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में नहीं खिलाया गया क्योंकि जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने कहा कि KL राहुल को मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में सिलेक्ट किया गया, तो निश्चित रूप से उनकी बजाय कोहली की बजाय KL राहुल खेलेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि KL राहुल मेरे लिए रोहित और विराट के बाद तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं जहां तक भारतीय टीम का सवाल, और तीनों फॉर्मेट की जहां तक बात। और जहां तक सवाल रहा मोहम्मद शमी का, ये भारत के लिए बहुत निराशाजनक है क्योंकि ईशांत शर्मा चोटिल हो गए हैं, अब शमी चोटिल हो गए हैं, भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो चुके हैं, तो 3 जो फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं वो चोटिल हो चुके हैं। अब जिम्मेदारी नवदीप सैनी या मोहम्मद सिराज, मेरे लिए मोहम्मद सिराज इसलिए क्योंकि वो आउट स्विंग करते हैं और उनका 4 दिवसीय मैचेस में प्रदर्शन बहुत बेहतर, जबकि नवदीप सैनी गति का इस्तेमाल करते हैं और गति ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को उछाल वाली गेंद बहुत रास आती है। तो मेरे को अगर किसी को चुनना होगा तो मैं शायद सिराज के लिए जाऊं। इसके अलावा पृथ्वी शॉ और रिद्धिमान साहा पर भी गाज गिर सकती है, और अशोक जी पृथ्वी शॉ का तो समझ में आ रहा है, रिद्धिमान साहा पर गाज क्यों गिरेगी ये समझ में नहीं आ रही है। और कितना जस्टिफाई होगा अगर आप रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत को टीम में लेकर आते हैं? देखिए, पृथ्वी शॉ का जैसे आपने कहा उनका ना खेलना लगभग तय है जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, ये नहीं कि रन नहीं बनाए, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की उनकी तकनीक में काफी खामियां दिखाई दी। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात है कि रिद्धिमान साहा पर किस लिए उंगलियां उठ रही, क्योंकि वो शायद मैनेजमेंट का फैसला है कि हमारे अव्वल नंबर के विकेट कीपर है, केवल इसलिए कि ऋषभ पंत ने 1 साल के बाद एक फ्रेंडली मैच में शतक लगा दिया इसलिए। और अभी तक ऋषभ पंत ने पूरे टेस्ट जीवन में केवल 2 शतक लगा, जबकि रिद्धिमान साहा ने 3 शतक लगाए हैं। हम उनके रिद्धिमान की बल्लेबाजी के बारे में बात ही नहीं करते जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, तो मेरे लिए ये निराशा की बात। और जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल, कोई तुलना ही नहीं ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग और रिद्धिमान की विकेट कीपिंग। रिद्धिमान शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर्स में गिरे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बदलाव वहां पे बदलाव की संभावना ना के बराबर, क्योंकि आप कैसे ना गिरे किससे और गुस्सा किस पे, वो वाली बात होने वाली बात है कि आप कहते ना गिरे गधे से और गुस्सा कुमार पे, लगभग वैसी ही अवस्था है अगर अगर आप रिद्धिमान साहा को ड्रॉप करते हैं।
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बड़ी शिकस्त के बाद टीम इंडिया के साथ एक और खराब रिकॉर्ड जोड़ सकता है। दरअसल टीम इंडिया टेस्ट इतिहास में इससे पहले एशिया के बाहर सीरीज का पहला मैच हारने के बाद कभी भी सीरीज नहीं जीत सकी है। इससे पहले 34 टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मैच हारकर 31 बार सीरीज गंवाई है, जबकि 3 बार भारत ने विपक्षी टीम के साथ सीरीज ड्रॉ कराई है। इस दौरान टीम इंडिया ने 1980 में ऑस्ट्रेलिया, 2002 में इंग्लैंड और 2010 में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। भारतीय टीम को पिछली शिकस्त इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी। फरवरी में खेली गई 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंडियन टीम पहला मैच हार गई थी और उसके बाद मेजबान न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच भी हराकर सीरीज 2-0 से जीती थी। अगस्त 2018 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 31 रन से गंवाया था और इसके बाद भारत वापसी नहीं कर पाया और ये सीरीज 4-1 से हार गया। टीम इंडिया ने सिर्फ सीरीज का तीसरा मैच 203 रन से जीता था। अशोक जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, ये आंकड़ा निश्चित तौर पर डराने वाला है कि पिछली 34 टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद एशिया के बाहर भारत कभी भी सीरीज नहीं जीत पाया है। देखिए, बड़ा खौफनाक आंकड़ा और इतिहास गवाह है कि विदेशों में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमारे पास जितनी भी स्ट्रांग बल्लेबाजी हो, जितनी भी मजबूत टीम हो, हमने विदेशों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। चाहे आप गावस्कर समय की बात करें या उसके बाद सचिन तेंदुलकर के समय की बात करें, हर बार जब विदेशों में गए हम बुरी तरह पिक कर आए हैं और फिर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद तो कमबैक की संभावना ना के बराबर है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये श्रृंखला में अगर क्लीन स्वीप नहीं होता तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही है, जिस तरह गेंदबाजों ने पिछले मैच में भारतीय टीम को बिल्कुल ढेर किया है, ऐसा लगता है कि उनका मनोबल बहुत बड़ा होगा, वो एक आत्मविश्वास से लबालब होंगे। जबकि भारतीय टीम, भारतीय बल्लेबाजी विराट के बिना, सब नए खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों पर अब चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उनको विराट के बिना रन बनाने होंगे, क्योंकि चेतेश्वर, अजिंक्य और हनुमा विहारी 3 ऐसे खिलाड़ी हैं 200 बॉल खेलने पे भी 40 रन ही बना पाते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जब भी आउट होते हैं तो दबाव टीम पर चला जाता है और उस दबाव को झेलने वाला विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं, और यहाँ से किस तरह उभर कर आती है टीम, ये कम से कम मेरी समझ से परे। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा क्रिकेट की खबरों पर हर रोज हमारे साथ होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की डिसाइसिव लीड ले ली है और सीरीज पर कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड ने 164 रन के लक्ष्य को विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सिफर्ट और केन विलियमसन के बीच 129 रन की पार्टनरशिप की बदौलत 9 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र विकेट फहीम अशरफ ने लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने 16 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन मोहम्मद हाफिज ने 57 बॉल का सामना कर नाबाद 99 रन बनाए और स्कोर को मजबूती दी। न्यूजीलैंड की ओर से टिम सऊदी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए। टिम सिफर्ट और केन विलियमसन ने पारी को संभाला, दोनों के बीच 129 रन की पार्टनरशिप हुई। विलियमसन 42 गेंद का सामना कर 57 रन और सिफर्ट ने 63 गेंद का सामना कर 84 रन बनाए। तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को T20 सीरीज के अलावा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलनी है। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से और दूसरा 3 जनवरी से खेला जाएगा। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को नेशनल सिलेक्शन कमेटी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। वो मिसबाउल हक से ये जिम्मेदारी लेंगे। क्रिक बज की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम 2023 वर्ल्ड कप तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मिसबा की चेयरमैनशिप में वसीम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। चेयरमैन के तौर पर वो पहली बार साउथ अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचेस और 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम को सेलेक्ट करेंगे। वसीम ने पाकिस्तान के लिए 1996 से 2000 तक के बीच 18 टेस्ट और 25 वनडे मैचेस खेले हैं।
आईएसएल में कल डबल हेडर डे में मुंबई सिटी एफसी ने हैदराबाद एफसी को 2 गोल से हरा दिया। हैदराबाद की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। मुंबई सिटी एफसी की टीम हाफ टाइम तक 1 गोल से आगे थी। ये गोल 38वें मिनट में विघ्नेश दक्षिणमूर्ति ने किया था। दूसरे हाफ में एडम लेफोंद्रे ने एक और गोल कर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ ही मुंबई पॉइंट्स टेबल के टॉप पर और मजबूत हो गया है। वहीं कल शाम खेले गए मुकाबले में ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रहीं। ईस्ट बंगाल को पहले आत्मघाती गोल से लीड मिली, फिर इंजरी टाइम के आखिरी लम्हों में केरला ब्लास्टर्स ने मुकाबला बराबरी पर खत्म करा दिया। इन दोनों ही मैचेस पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग और सुपर संडे का दिन, और इस दिन 2 मुकाबले खेले गए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे केरला ब्लास्टर्स बनाम ईस्ट बंगाल के बीच में जो मुकाबला खेला गया उसकी, क्योंकि जैक्सन सिंह ने जो 90+5 यानी कि 95th मिनट में गोल किया था, उसकी वजह से ईस्ट बंगाल की टीम का दिल टूट गया। कहां पर वो इतिहास रचने के लिए जा रही थी, कहां पर इंडियन सुपर लीग के इतिहास में पहली जीत दर्ज करने के लिए जा रही थी रॉबी फाउलर की टीम, लेकिन अंत में जाकर जैक्सन सीन और जो उनके साथ कंबाइंड जो उन्होंने गेंद को पास किया था, अब्दुल समद ने जो गेंद को पास किया था, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो परेशानी हुई उसे बाहर नहीं निकल पाए ईस्ट बंगाल की टीम। और जैक्सन सिंह ने जो गोल किया उससे पॉइंट को शेयर करना पड़ा ईस्ट बंगाल की टीम को, और ये मुकाबला 1-1 की बराबरी पर फिनिश हुआ। हालांकि आपको बता दें कि 13वें मिनट में निशु कुमार के ओन गोल की वजह से ईस्ट बंगाल की टीम ने पहले हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन ईस्ट बंगाल की टीम को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब 1 गोल की बढ़त लेकर आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी टीम इस गोल को मेंटेन करके रखेगी। अगर इस मुकाबले पर नजर डालें तो कुल मिलाकर पोजीशन 65% जो रहा वो केरला ब्लास्टर्स के नाम रहा, जबकि सिर्फ 35% जो है वो पोजीशन ईस्ट बंगाल की टीम ने अपने हक में किया। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो ये बिल्कुल केक वॉक रहा मुंबई सिटी के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में मुंबई सिटी की टीम ने हैदराबाद की टीम को 2-0 से हरा दिया। विघ्नेश ने सबसे पहले 38वें मिनट में गोल किया और एडम लेफोंड्रे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए मुंबई सिटी की टीम को 2-0 से जीत दिला दी, और फिलहाल मुंबई सिटी की टीम अंक तालिका में नंबर 1 स्थान पर है। आईएसएल में आज एटीके मोहन बगान और बेंगलुरु एफसी के बीच मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। एक तरफ एटीके मोहन बगान का अटैक और डिफेंस मजबूत है और उसके डिफेंडर्स ने लीग में अब तक सबसे ज्यादा 233 टैकल किए हैं। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु ने सीजन में अब तक 1 भी मैच नहीं हारा है। दोनों टीमें लीग में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। एटीके मोहन बगान ने लीग के पहले 3 मैच जीते, लेकिन उसके बाद उसे 1 में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु ने अब तक खेले गए 6 मैच में से 3 जीते हैं, जबकि 3 ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। दोनों टीमों के बीच सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है। अगर आज बेंगलुरु जीतता है तो वो एटीके मोहन बगान को पीछे छोड़कर दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक क्लब के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 643 गोल के मामले में ब्राजीलियन लेजेंड पेले की बराबरी कर ली है। मेसी ने स्पेनिश टूर्नामेंट ला लीगा में वैलेंसिया के खिलाफ 1 गोल दागा और पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की। हालांकि मेसी अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके और ये मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। मेसी ने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए अब तक 748 मैच में 643 गोल किए हैं। इस दौरान उन्होंने 278 असिस्ट भी किए। पेले ने मेसी को इस रिकॉर्ड के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि वे भी मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। वहीं पेले ने ब्राजील के क्लब सांतोस के लिए 15 साल की उम्र में 1956 से खेलना शुरू किया था। उन्होंने क्लब के लिए 1974 तक 656 मैच खेले और 643 गोल दागे थे। पेले के ओवरऑल गोल को देखा जाए तो उन्होंने 767 मैच में 831 गोल किए हैं। इसमें अपने देश ब्राजील के लिए उन्होंने 92 मैच में 77 गोल दागे थे। मेसी 30 जून को ही 700 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन चुके हैं। इसमें अपने देश अर्जेंटीना के लिए किए गए 70 गोल भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 805 गोल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकन के नाम है।
भारतीय बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने टूर्नामेंट में 9 मेडल जीते। महिलाओं की 57 केजी की कैटेगरी के फाइनल में कल मनीषा ने अपने ही देश की साक्षी को 3-2 से हरा दिया, जबकि सिमरनजीत कौर ने जर्मनी की माया कैलिनहेंस को 4-1 से शिकस्त दी। भारत टूर्नामेंट में 9 मेडल जीतकर ओवरऑल दूसरी पोजीशन पर रहा। इसमें 3 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मनीषा और सिमरनजीत से पहले पुरुषों में अमित पंघाल को गोल्ड मेडल मिला था, उन्हें फाइनल में वॉकओवर मिला था। वहीं पुरुषों में सतीश कुमार 91 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत सके, वे फाइनल में इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए। भारत की सोनिया लाठार 57 किलो, पूजा रानी 75 किलो के अलावा गौरव सोलंकी और मोहम्मद हसबुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। टूर्नामेंट में जर्मनी के अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, मोल्डोवा, पोलैंड और यूक्रेन के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।